तो आज हम पहुंच चुके हैं 36 लेवल पे, और ये काफ़ी टाइम के बाद होने वाला है। तो हु इज़ द प्रेगनेंट, हु इज़ प्रेगनेंट भैया, कौन है इसमें इनमें से प्रेगनेंट? तो ये भैया क्या है, तो सर्टिफिकेट प्रेगनेंसी पॉजिटिव भी। अरे बाप रे, ये किसका है ये तो जानना पड़ेगा भैया। इसके लिए तो हमें अलग से CID को बुलाना पड़ेगा, ताकि हमें पता चल सके कि ये बेटा बच्चा किसका है, बेटा बेटी होने वाला किसका है। तो आज तो पता नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम ढूंढेंगे। ग्रेट 30+30 ब्रेन है, ये कैसा ब्रेन हो 30? तो लेवल 37, हु इज लाइंग, यू कट द रोप, आई एम जस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। तो किसने कट किया है? मुझे लगता है बच्चे ने खेलते खेलते, अरे नहीं अंकल ऐसा नहीं करते, गलत बात, ये तो सही बोल रही है, ये गलत। कैंची बेटा कैंची, देखा हम सही थे, अंकल ने काटा है, अंकल न्यूज़पेपर के आड़ में कैंचियाँ चला गए हैं। हु इज द चाइल्ड? तो इनका बच्चा मुझे तो यही लग रही है एक, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई थिंक इनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा ही बच्चे के लायक, नहीं है क्या? अरे कुछ तो होना चाहिए था, अरे जेब में या फिर आँखों में, आँखों के दुलारे। अच्छा ब्लू आइज, ब्लू आइज, ब्लू आइज, दैट इज़ द वन, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज करती है, हिप्नोटाइज, ऐसे थोड़ी ना। हु इज अ रियल पेंटर? तो जिसके हाथ रंगे होंगे वही होगा पेंटर, बाबू मोशाय। अरे यार इसमें तो कोई हाथ रंगने वाला काम नहीं लगा। तो कपड़े रंगे होंगे? नहीं वो भी नहीं है। आई थिंक कुछ तो होना चाहिए था, भैया इसको ढूंढना बड़ा ही मुश्किल लगा अब। या इनमें पेंट भी नहीं लगा हुआ हाथों में, तो मुझे तो वैसे कुछ नहीं दिख रहा, तुमको दिख रहा है क्या? ये हाथ आगे आ जा, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये पेंटिंग वाले हाथ, मुझे बताओ कौन है इनमें पेंट। तो भैया ये हाथ तो का पता, अच्छा ये लिखा है ना हम, वाह बेटा वाह, ऐसे नाम लिखते हैं। तो जेनिफर इज द राइट आंसर। तो जेनिफर डू यू हैव ए डिग्री इन आर्ट? हमारे पास तो कोई आर्ट कार्ड कोई कलेक्शन है ही नहीं, हमने तो कभी आर्ट पढ़ा ही नहीं भैया। हु इज द टोलेस्ट? यार ये वाला कहीं और भी खेला था मैंने एक दो दिन पहले, आई थिंक अवर अदर गेम्स। अर्था क्रिस्टीन, शी वॉज ए इंग्लिश राइटर नो फॉर हर 66 एक्टिवेट नॉवल एंड 14 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, पार्टिकुलर दोज रिवॉल्विंग अराउंड फिक्शन डिटेक्टिव सर्कुलियो या ब्ला ब्ला ब्ला, इससे क्या है यार इतनी इंग्लिश। अच्छा हु इज हिज वाइफ? बस अब इनकी वाइफों का ढूंढना पक्की रह गया अपनी ज़िंदगी में। तो ये रही तस्वीर, तो ये रहे बालों वाली सी, लुक एट दिस, आई थू परफेक्ट कपल ओनली एक्साइटेड इन बुक्स एंड मूवीज, व्हाट दैट चेंज आफ्टर आई सो दम, ब्ला ब्ला ब्ला। या क्यों, या क्यों, कैसे कैसे पुट द बुलेट इन द बैग? तो इसको पहले खोलना नहीं पड़ेगा क्या? अच्छा तो इसको हम ऐसे ऐसे ऐसे,
अरे चला जा अब, कैसे होगा? आई थिंक अभी ये घूमता क्यों नहीं? शेक शेक, फोन को शेक करके देखते हैं। नहीं, उससे भी कुछ नहीं हुआ। पुट द बुलेट इन टू द बैग। तो इसको यार, ये हिल नहीं नहीं रहा तो मैं कैसे वो डालूँगा इसको? अबे चल, कुछ तो हो। ये अपने हिसाब से क्यों टच होगा? सिर्फ मतलब जब मैं करना चाहता हूं तब तो नहीं होगा। अगर कहा गए बाबा, तू तो बड़ा मानुष रे। चल अब तो जाएगा। आई थिंक उल्टा करके देखे। नहीं, उल्टा करके कुछ नहीं होगा फोन को। आई थिंक इसमें ही कुछ चौचला है भैया, कुछ तो चौचला है। हम लाइफ लाइन यूज़ करेंगे। श्रिंक द बॉलेट वाई यूजिंग योर फिंगर। तो मैंने किया तो था श्रिंक। ये देखो कितना श्रिंक कर रहा हूँ। वाह, ये श्रिंक करना होता है। आई गॉट ए बॉलेट विद नो मनी इन साइड, बट आई एम स्टिल हैप्पी एज लॉन्ग एज यू आर हेयर। वाह, सही बात है, हम यहाँ पे हैं तो क्या गम है। तो हु इज मैरिड? यार ये पाले चौंचले क्यों इतने, कि कौन सा बंदा मैरिड है कौन सा नहीं? तो ये वाले चौंचले अभी भी चले हुए हैं। ये मान गई, अब ये गुस्सा होगी। जो गुस्सा होगी शायद वही होगी किसी की। बी लॉयल्टी इज मोर देन जस्ट ए वर्ड, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। वाह, मतलब तो अच्छा था। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो हु इज डेटिंग हिम? अबे इसका मैं कैसे पता लगाऊंगा? अच्छा तो ये, अच्छा इसकी लिपस्टिक नहीं है तो ये इसकी लिपस्टिक यहाँ पे आ गई। अब क्या लॉजिक है? लॉजिक देखो तो भैया, लॉजिक कैसे? अबे क्यों ऐसे वाले लिप्स किसके हैं? मेरे को तो किसी के नहीं लगा। बी वाले के कैसे हो गए? एविडेंस डज नॉट लाई, प्रूफ सदा। एविडेंस को क्या बोलते? सबूत, सबूत हमेशा सच बोलते हैं। हु इज ए रियल डॉक्टर? आई थिंक दिस इज ए सर्जन एंड दिस इज द डॉक्टर। बट ये बीड़ी जलाई के जिगर से पिया कर रहा है तो शायद ना हो, क्योंकि वो स्मोकिंग कर रहा है। अबे ऐसा कुछ नहीं होता, डॉक्टर भी करते हैं स्मोकिंग। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं। तो आज जीना वुल्फ, शी वॉज इंग्लिश राइटर, कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न 20th से 4th एंड ऑथर एंड नेटिव डिवाइस। ये भैया राइटर है, बहुत अच्छे राइटर है, जो 1982 से 1941 तक रहे थे। उसके बाद इन चल बसे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का हम फिर कभी खेलेंगे।